हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो फाइनली आज हम लोग रिस्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। तो हम लोग लार्ज नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब हम लोग लार्ज नंबर का डिवीजन सीखेंगे। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में किया था बेटा, जैसे हमने क्या पिछली क्लासेस में किया था, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस उसी को लार्ज कर दिया गया है। रूल्स सब वही हैं, बस बेसिक सी चीज़ें, दो तीन चीज़ें चेंज हुई है, जो कि हम लोग क्या लगाते हैं, अपने कॉमन मेथड से लगाते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था डायरेक्ट मेथड, है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, डायरेक्ट कर रहे थे, तो वही बस चीज़ें बात होंगी। तो चलिए आ जाइए, जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी नो डैट डिवीजन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन क्वालिटी। जो हमारी क्या बेटा क्वालिटी दी है ना, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, यही हमारा डिवीजन होता है। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज द डिवाइडेंट। जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर। जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। द आंसर इज कॉल्ड क्वांटेंट। जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटेंट बोलते हैं। द नंबर वी आर लेफ्ट विद एट द एंड इज कॉल्ड रिमाइंडर। और अगर जो डिवाइड करते टाइम, जैसे यहाँ पर देखो कोई नंबर लेफ्ट बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, देखो बेटा, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर जो कोई नंबर उसी से डिवाइड हो रहा है, इट ऑलवेज गिव्स वन क्वांटेंट, उसका क्या रहेगा बेटा, वन क्वांटेंट रहेगा, यानी कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, जैसे लाइक देखो 975 को 975 से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा। अब कोई भी नंबर ले लो, अगर जो खुद से डिवाइड हो रहा है तो द आंसर विल बी वन। ओके बेटा, चलिए दूसरा रूल क्या बोलता है, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय नंबर देन अदर देन जीरो द क्वांटेंट इज ऑलवेज जीरो। अगर तो जीरो को किसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं जीरो के अलावा, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, जीरो ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल जीरो डिवाइडेड बाय 225 सॉरी बेटा 225, तो आंसर क्या रहेगा बेटा, जीरो ही होगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा बेटा, जीरो ही होगा। चलिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन, अगर जो हम किसी नंबर को वन से डिवाइड करें तो द नंबर विल बी इटसेल्फ, जो नंबर है वो खुद का रहेगा। देखिए द गिवन क्वांटेंट इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देखो जैसे 532 को हमने डिवाइड किया वन से तो 532 ही आएगा। ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वांटेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवाइडेंट। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, ये रूल याद रखिएगा। अब आगे मूव करते हैं, अब हमें आर के क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड आ जाएगा। देखो ये रहा एक्सरसाइज आ गई, देखो डिवाइड दिस बाय 432। देखो 8642319 को डिवाइड करना है 432 से, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 जा 432 से क्या होगा, 864। ठीक है, यहाँ से 2 लिखेंगे, यहाँ से 3 लिखेंगे, यहाँ से 1 लिखेंगे और यहाँ पर 20 लगाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये भी नहीं मैच हो रहा, 9 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर जो हम इसका 5 करें, 432 को अगर जो हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 0, 15 का 5 1 कैरी, 20 और 21। ठीक है, यही आएगा 5, कितना आ जाएगा बेटा, 2150, 9 11 5 6 1, तो 169 रिमाइंडर बच गया और 20005 हमारा बेटा यहाँ पर क्वांटेंट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को डिवाइड करना है। देखो हर एक डिवाइड में ऐसे कुछ दिया है तो हमें इसी तरीके से डिवाइड करना है। आगे मूव करो, देखो डिवाइड एंड फाइंड क्वांटेंट रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या डिवाइड करना है और क्वांटेंट और रिमाइंडर को भी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, डिवाइड करना है और क्वांटेंट और रिमाइंडर को भी फाइंड करना है। देखो यहाँ पर क्या है, 54 है, डिवाइड करना है 48, 54 है बेटा 48357 को हमें डिवाइड करना है। तो देखो 54 है तो 54 हम लोग क्या करेंगे, 8 अगर जब हम यहाँ पर चलाएं तो 54 की 8 कितना होगा बेटा, 32 का 2 3 कैरी, 40 और 43। ठीक है, तो कितना आएगा, 432 माइनस करके 1 और 5 और 5। ठीक है, अब इसमें हम लोग 54 9 चलाए तो 9 6 कितना होगा बेटा, 36 का 6 3 कैरी, 9 5 45 और 3 48, तो क्या जाएगा, 486। ठीक है, हाँ 518 हो जाएगा वरना। चलो अब इनको क्या है बेटा, ये 9 चलाया हमने, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा,
टेन टू और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 9। ओके अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो 54 5 जा 0 टू कैरी 25 27 270 तो 5 जा 270 6 और 2 आएगा अब यहाँ पर 7 आ जाएगा फिर से 4 जाएगा क्योंकि 5 जा 270 होता है 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 54 4 जा 54 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 20 और 21 260 ठीक है कितना आ जाएगा 1 और 5 51 ठीक है बेटा। तो ये हमारा आ जाएगा देखो 8 9 5 4 तो बेटा हमारा क्या है क्वांटेंट है और 51 बेटा क्या है हमारा रिमाइंडर है। ये हमारा क्या जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं अपने क्या बड़े बड़े जो हमारे क्या रहते हैं बेटा डिवीजन रहते हैं ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को खुद से सोल्व करने हैं। चलो वर्ड प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया वर्ड प्रॉब्लम में हाउ मेनी डेज मेक 14,232 आवर कितने डेज बेटा देखो वन डे इक्वल्स टू क्या होता है बेटा वन डे इक्वल्स टू 24 आवर होता है तो वन आवर इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 1/24 डे। अब बेटा देखो कितने आवर है हमारे पास में 14,232 अगर जो मैं 14,232 को डिवाइड कर दूं 24 से तो बेटा मेरे पास में जो कंटेंट आएगा वो क्या हो जाएगा डेज हो जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो आवर हो जाएगा तो हमारा यहाँ से इस तरीके से आंसर निकल जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ 838,245 ऑफ स्कॉलरशिप इज डिवाइडेड अमंग 615 स्टूडेंट हाउ मच मनी डज ईच स्टूडेंट गेट। अब देखो क्या करो इस नंबर को इस 1615 से डिवाइड कर दो तो जितना हमारा क्वांटेंट आएगा उतनी मनी हर एक बच्चे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई। ओके बेटा चलिए आगे मूव करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस दो नंबरों का प्रोडक्ट बेटा ये है इफ वन नंबर इज 395 देखो दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है वन नंबर जिसमें से 395 है तो सेकंड नंबर क्या होगा ये जो प्रोडक्ट आया उसको 395 से डिवाइड कर दो तो सेकंड नंबर जो क्वांटेंट होगा वो सेकंड नंबर होगा। द प्राइस ऑफ 739 क्वेंचल ऑफ राइस इज 1,34,498 फाइंड द प्राइस ऑफ वन क्वेंचल राइस का बेटा प्राइस फाइंड करना है तो क्या करना हो इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो तो जो क्वांटेंट आएगा वो वन क्वेंचल का प्राइस रहेगा। ओके राइट द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर हमें ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखना बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर है डिवाइड इट बाय प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 17। अब हमें क्या करना बेटा 15 और 17 का मल्टीप्लाई करना है 5, 3 कैरी, 7 और 10, 5 और 1, 5, 5, 2, 255 होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट से फाइंड द क्वांटेंट एंड द रिमाइंडर इनके प्रोडक्ट से 255 से बेटा इसको डिवाइड करना है जो क्वांटेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वही हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है ठीक है बेटा। 9 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को 15 और 17 के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है क्वेश्चन में ये बोला गया और क्या क्वांटेंट और क्या रिमाइंडर आएगा वो हमें लिख लेना है ठीक है। आगे मूव करते हैं चलिए अगला क्वेश्चन 4,90,752 एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन 3,408 बॉक्सेस हाउ मेनी एप्पल विल बी इन ईच बॉक्स देखो बेटा दिस टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स और इससे डिवाइड कर दो तो पता लग जाएगा कि जो क्वांटेंट आएगा कि ए पर बॉक्स में इतने एप्पल्स हैं। ओके अ ट्रक कैन होल्ड 512 बॉक्सेस हाउ मेनी ट्रक विल बी नीडेड टू होल्ड 49,664 बॉक्सेस 512 से 49,664 को डिवाइड कर दो 78 मशीन्स वेट 45,006 kg व्हाट इज द वेट ऑफ वन मशीन 45,006 kg को 78 मशीन से डिवाइड कर दो तो जो क्वांटेंट आएगा बेटा वो वन मशीन का वेट होगा। एंड इंजन पंप आउट 90 लीटर ऑफ वाटर इन वन आवर क्या बेटा है एक इंजन पंप है बेटा जो 90 लीटर वाटर एक घंटे में क्या है इस बेटा जैसे आप लोगों ने ट्यूबवेल देखी है ट्यूबवेल लगी हुई रहती है वो क्या है एक घंटे बेटा 90 लीटर वाटर देता है ठीक है। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू पंप आउट 2,79,270 लीटर ऑफ वाटर क्या करो बेटा 90 लीटर से इसको डिवाइड कर दो जो क्वांटेंट आएगा वो उतने आवर्स हमारा रहेगा ठीक है। चलिए द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 15,750 रुपीज़
हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी बाउट इन। अब देखो इतने अमाउंट को इस 15,750 से डिवाइड कर दो, जो बेटा आंसर आएगा वो हमारा उतने कंप्यूटर बाय कर सकते हैं। देखो वर्कशीट में क्या बोला गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर जो हम लोग किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा बेटा, 1 होगा। द नंबर वी आर लेफ्ट विद द एंड इज गुड, अगर जो लास्ट में कोई नंबर लेफ्ट बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर बोलते हैं। हाउ मेनी कार्टून्स विल बी रिपीटेड टू कैरी 23.053 बुक्स इफ ईच बुक ईच कार्टून कैन होल्ड 135 बुक्स। देखो बेटा क्या है, कितने कार्टून्स कैरी होंगे बेटा 23.056 बुक्स में, अगर जो हर एक बुक 135 कार्टून्स कैरी करती है। देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, ओके, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्टून रिपीटेड यहाँ पर लिखा गया है 23,056। इफ कार्टून हैज़ होल्ड 135 बुक्स, अगर जो एक कार्टून 135 बुक्स होल्ड कर रहा है तो हमारा यहाँ पर कितने कार्टून्स होंगे, या तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा या फिर बेटा क्या होगा, 135 बुक्स हैं 23.056 से उसको डिवाइड कर दो, देन हमारा यहाँ से आंसर पता लग जाएगा। ओके आगे मूव करते हैं। चलिए देखो डिवीजन इज आर रिपीटेड, डिवीजन क्या होता है बेटा, रिपीटेड क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। द नंबर वी आर लेफ्ट विद एट द एंड ऑफ कोल्ड, बेटा अगर जो कोई नंबर हम लास्ट में छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, वो भी एंड में था ये भी एंड में था। चलिए आगे मूव करते हैं। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें हर एक नंबर को डिवाइड करना है, आप लोग डिवाइड करके खुद से इसको लिख सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। चलिए डिवाइडेंट हमें नहीं पता, डिवाइजर पता है, देखो क्या बोला गया यहाँ पर, डिवाइडेंट हमें नहीं पता है क्या है, डिवाइजर पता है, डिस्ट्रैक्ट हमें पता है, रिमाइंडर पता है। देखो हमें यहाँ पर देखो ये बेटा क्वांटेंट होगा, डिवाइडेंट पता है, डिवाइजर पता है, क्वांटेंट पता है, रिमाइंडर पता है। अब देखो यहाँ पर डिवाइजर निकालना है, यहाँ पर डिवाइडेंट निकालना है, देखो क्या कर दो, सबसे पहले क्या करो, देखो हमें क्या पता है, डिवाइडेंट नहीं पता, हमें डिवाइडेंट नहीं पता, डिवाइडेंट मतलब जिसे डिवाइड करना है, डिवाइजर पता है यानी कि जिससे डिवाइड करना है, हमें क्या है क्वांटेंट भी पता है क्या है और रिमाइंडर भी पता है। तो क्या करो सबसे पहले, तो बेटा जो हमारा क्वांटेंट आया है, ठीक है, और जिससे हमें डिवाइड करना है, पहले क्या करो, रिमाइंडर जो है 162 इसको हम कैसे लिखेंगे, 624 डिवाइड बाय, देखो कैसे कर लिखेंगे इसको, 624 162 डिवाइडेड बाय 547, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर दो, ये हमें निकल करके आ जाएगा। डिवाइडेंट हमें पता है क्या है, डिवाइजर हमें नहीं पता, क्वांटेंट पता है, रिमाइंडर पता है। अब देखो क्वांटेंट पता है, रिमाइंडर पता है, और डिवाइडेंट पता है, डिवाइजर नहीं पता, यानी कि जिससे डिवाइड करना है उसके बारे में अब हमें नहीं पता है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो, जो डिवाइड करके आएगा उसमें इसको ऐड कर दो, हमें ये नंबर पता लग जाएगा। ओके चलिए आगे मूव करते हैं। देयर आर 596 बैंगल्स इन अ पैकर, इफ 1,93,78,344 बैंगल्स आर टोटल पैक्ड इक्वली, फाइंड द नंबर ऑफ पैक इक्वल। देखो इसको इससे डिवाइड कर दो बेटा, पता लग जाएगा कितने पैक्स होंगे। द कॉस्ट ऑफ अ बैग ऑफ सुगर इज 1,675 रुपीज़ 85 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 450 सच बैग्स। देखो बेटा एक बैग की कॉस्ट कितनी है बेटा, इतनी है, हमें 450 बैग्स की कॉस्ट निकालनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमें पता लग जाएगा कि 450 बैग्स की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है बच्चे। आगे आ जाते हैं हमारे मिसलेनियस वर्कशीट आ जाती है। देखो सिक्स डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सिक्स डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ये रहा, दिस इज अवर सिक्स डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो, द नंबर नेम ऑफ 73,69,450 इज, देखो 73,69,405 बेटा यही तो है। द नंबर नेम इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ 890,062,453, देखो बेटा 453 ये रहा, ठीक है 89,62,453 बेटा यही तो है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है,
डिवीजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। द गवर्नमेंट गोडाउन हैज अ स्टॉक ऑफ 63,56,800 बैग्स ऑफ वीट, आउट ऑफ देम 27,4 बैग्स वर सेंट। देखो बेटा ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या बोला, 274 बैग्स वर सेंट टू अ फूड विक्टिम एंड 18 लाख। बेटा ये क्वेश्चन फुलफिल नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे वो हमारे पास में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को रोंग टिक कर लेना। द कॉस्ट ऑफ 968 रेफ्रिजरेटर इज 1,79,80,600। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर, हमें क्या बेटा वन रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट फाइंड करनी है। 968 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट इतनी है, तो इसको बेटा 968 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द सम ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड, हमें क्या करना है, नियरेस्ट थाउजेंड के सम से इनको एस्टिमेट करना है, दोनों को ऐड करो। ये बेटा लगभग किसके लगभग आएगा, हमारे 80,000 के लगभग जाएगी वैल्यू। ठीक है, 80,000 के लगभग जाएगी ना, नहीं 1,2,3,4,5 लगभग 1 लाख के अप्रोक्स जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 1 लाख के अप्रोक्स जाएगी। ठीक है, नहीं ये तो 150 लाख के अप्रोक्स जाएगी। चलो इन दोनों को ऐड करना और अप्रोक्सीमेटली कौन से थाउजेंड के नियरेस्ट है उसको हमें बताना। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा रहेगा सिंप्लीफिकेशन। ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश हुआ, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।